इंदौर के सुभाष चौक पानी की टंकी के पास स्थित भारतीय खेलकूद कबड्डी संस्था प्रभात क्लब में प्रो कबड्डी की तर्ज पर 5 अप्रैल से 7 अप्रैल तक 3 दिवसीय गोल्डन ट्रॉफी राज्य स्तरीय कबड्डी स्पर्धा 2019-20 का आयोजन किया जा रहा है। प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता के साथ ही सभी टीमों को पुरस्कार वितरित किए जाएंगे। आयोजकों ने बताया कि प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश के विभिन्न जिलों और शहरों से लगभग 500 से अधिक टीमें भाग ले रही हैं। प्रभात क्लब के संरक्षक सुरेश दवे एवं आयोजन समिति के अध्यक्ष सर्वजीत गौड़, विवेक फरकिया ने बताया कि दर्शकों को 3 दिनों तक प्रो कबड्डी की तर्ज पर रोमांचक मुकाबले देखने को मिलेंगे। कबड्डी मुकाबले देखने हेतु दर्शकों के बैठने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। एक्चुअल में अभी जो ये पूरे जो सभी राज्य स्तरीय टीमें जो पार्टिसिपेट करेगी इस प्रतियोगिता में गोल्डन राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता 2019-20 ये प्रतियोगिता 5 तारीख से स्टार्ट होकर 7 तारीख तक ये चलेगी अपने साथ, ठीक है। इसमें 500 के करीब बच्चे जो है 55 किलो भार वर्ग रखा गया है, जिसमें 500 से ज़्यादा टीमें अपना इस शौर्य खेल का आपके सामने रखेगी और पार्टिसिपेशन के साथ इस तरीके से टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है, जिसमें ये प्रो कबड्डी लीग आपने देखी होगी उसी के तर्ज पर ये पूरा टूर्नामेंट आयोजित किया गया। इसमें प्रतियोगिता रूपरेखा इस प्रकार है कि सर्वप्रथम जो भी प्रथम टीमें हैं, ठीक है, जो विजेता टीम रहेगी जिसका 11,000 पुरस्कार रखा गया है, ठीक है, द्वितीय टीम में जो अपना जो उपविजेता टीम रहेगी जिसका 7,000 रुपये इनाम रहेगा। कई आकर्षक पुरस्कार इसमें दिए जा रहे हैं, सोने की अंगूठी है, टीवी है, ठीक है, LED दी जा रही है, ठीक है, और कई ऐसे पुरस्कार हैं जिसमें मोबाइल फ़ोन वगैरह सब बच्चों को दिए जाएंगे। अभी तक हमारे पास सतना, भोपाल, हरदा, होशंगाबाद, टिमरनी, जबलपुर, ग्वालियर, कई जगह से हमारी टीमें कंफर्म हो चुकी हैं, जो कि आज और कल में दोनों टीमें आ चुकी हैं।